गाइस हाउ आर यू ऑल, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिट टेक। दोस्तों काफी अच्छे अपडेट्स वगैरह लेके आ गया हूं आज भी। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, Redmi 10 2022 का एडिशन लॉन्च हो चुका है फाइनली इंडिया के अंदर। दोस्तों 4GB 64GB का पहला वेरिएंट निकल गया है 10,999 के अंदर, यानी कि दोस्तों 11,000 रुपीज में आपको मिलेगा 4GB 64GB का पहला वेरिएंट। दोस्तों Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर है। प्रोसेसर के मामले में मैं कहूंगा बहुत अच्छा फोन है, मतलब इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा प्रोसेसर मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया फोन निकल गया है। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले की, तो 6.71 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है। दोस्तों डिस्प्ले बड़ा है पर HD प्लस है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। और दोस्तों बता दूं इसके अंदर डुअल कैमरा सेटअप निकल गया है रियर साइड में, 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि ये एक डिसेंट सा कैमरा सेटअप है, और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का मिलेगा। दोस्तों बैटरी जो है वो 6000 mAh की है और 18W का एक फास्ट चार्जर मिल जाएगा साथ में। दोस्तों 6000 mAh की बैटरी है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो मैं कहूंगा ये आपका 1.5-2 दिन तो बड़े आराम से निकाल जाएगी। और दोस्तों क्योंकि प्रोसेसर बड़ा है तो पावर एफिशिएंट भी है। दोस्तों काफी अच्छा फोन है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हो इसे कर पाएंगे। 24th of March से सेल पे जाने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और दोस्तों अगला एक अपडेट निकल के आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से। दोस्तों ये तैयारी कर रहे हैं आपसे चार्जेस लेने की। अब दोस्तों कैसे चार्जेस, बेसिकली जब भी आप चला रहे हो नेटफ्लिक्स तो नेटफ्लिक्स आपसे पूछेगा कि आप कितने लोगों को देते हो अपना पासवर्ड लॉगिन वगैरह, कितने लोग आपका अकाउंट यूज करते हैं, आप यूज करते हो, आपके नेबर यूज करते हैं, आपके कोई दूर के फ्रेंड्स यूज करते हैं, या बहुत दूर के कोई रिलेटिव्स यूज करते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आपसे चार्जेस दिए जाएंगे क्योंकि आप अकेले हो जिन्होंने अकाउंट लिया है, लेकिन आपके अलावा बहुत सारे लोग जो है उसी अकाउंट से नेटफ्लिक्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम चार्जेस लेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस अकाउंट शेयरिंग के। और दोस्तों OnePlus Nord 2 CE Lite, दोस्तों इसके कुछ स्पेसिफिकेशन आज सामने निकल के आ चुके हैं, लीक हो चुके हैं। यहाँ पे 6.59 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आने वाली है। दोस्तों डिस्प्ले तो अच्छी होने वाली है। Qualcomm Snapdragon 695 आएगा, यानी कि दोस्तों इसका प्राइस जो होगा 16,000 के अराउंड मुझे लग रहा है। यहीं पे आपको बता दूं 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का होगा, 4500 mAh की बैटरी होगी, 33W का फास्ट चार्जर होगा। दोस्तों सब कुछ बता दिया मैंने आपको, मुझे लगता है इसमें कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड 12 के ऊपर आएगा। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फोन निकल के आएगा, देखते हैं एग्जैक्ट प्राइस क्या होता है। मुझे लग रहा है 16,000 तक स्टार्टिंग हो सकती है, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों BSNL की तरफ से आज एक नया प्रीपेड प्लान इसको लेके आ गए हैं ये लोग, और इसके अंदर आपको 797 रुपीज का प्लान पड़ेगा। दोस्तों 395 डेज के लिए प्लान है, यानी कि एक पूरे ईयर से एक मंथ ज्यादा, यानी कि 13 मंथ्स का प्लान है दोस्तों। और इसके अंदर आपको 2GB डाटा हाई स्पीड पर डे मिलेगा, उसके बाद जो इसकी स्पीड है वो 80KB से भी नीचे गिर जाएगी। दोस्तों काफी अच्छा प्लान है, इसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 100 SMS पर डे के हिसाब से मिलेंगे। दोस्तों जो भी लोग इस प्लान को ट्राई करना चाहते हैं, काफी अच्छा प्लान है, ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों LG की तरफ से उनकी टोन फ्री FP9, FP5 और FP3 TWS, दोस्तों ये तीन तरह के TWS हैं जिनका प्राइस स्टार्ट होता है 13,990 रुपीज से। ये आज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों, काफी अच्छे TWS हैं। एंटी नॉइज कैंसिलेशन, सेकेंडरी माइक्रोफोन वगैरह, UV चार्जिंग, दोस्तों केस काफी जबरदस्त है। ये आज डेब्यू कर सके इंडिया में और ये आपको मिलेंगे 13,990 रुपीज से। IPX4 की रेटिंग के साथ में आते हैं दोस्तों, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट, तो दोस्तों काफी अच्छे हैं, जो भी लोग इन्हें ट्राई करना चाहते हैं कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों आज जो है आईफोन 14 सीरीज इसके कुछ रेंडर्स लीक हुए हैं, बेसिकली इनका जो डिजाइन है पीडीएफ के थ्रू आप देख सकते हो दोस्तों, निकल के सामने आया आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो का। दोस्तों डिजाइन दिखने में कैसा लग रहा है आप बताइएगा। इसमें फ्रंट में आप देख सकते हो एक तो डुअल नॉच है, जो छोटी सी एक कैमरा टाइप और एक छोटी सी नॉच की टाइप। अब दोस्तों एक में जो है थोड़ी बड़ी नॉच है जिसमें कैमरा सेंसर वगैरह सारा कुछ है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो आईफोन 14 है उसके अंदर तो वैसी ही नॉच रह सकती है, लेकिन आईफोन 14 प्रो जो है उसके अंदर वो जो बड़ी वाली नॉच है वो खत्म हो जाएगी और एक कैमरा सेटअप एक या कैमरा बम्प अलग से आ जाएगा और एक छोटा सा आप कह सकते हो सेंसर वाला अलग से आ जाएगा। और दोस्तों यही बता दूं आपको OnePlus 10R इसके बारे में कुछ रेंडर्स लीक हुए हैं या फिर कुछ टिप्सचर ने बताया है। तो 120Hz की एमोलेड डिस्प्ले हो सकती है इसके अंदर। इसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 मिलने वाला है। दोस्तों हम बात कर रहे थे 8100 की, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर निकल गया है जिसने 8 Gen 1 को भी टक्कर दी है, तो 9000 आप हम सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा मीडियाटेक की तरफ से। दोस्तों इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 12 बेस्ड मिलेगा ऑक्सीजन OS और इसके अंदर 80W का फास्ट चार्जर आएगा, सुपर बुक चार्जर, और 8GB की रैम, 128GB का पहला वेरिएंट आएगा। दोस्तों देखते हैं एक्जैक्टली ये फोन कैसा निकल के आता है और कब तक निकल के आता है। और दोस्तों फाइनली मैंने आपको बताया था 17th of March को लॉन्च होने वाले सैमसंग की बुक्स,
तो दोस्तों फाइनली आई लॉन्च हो चुकी है सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 बिजनेस, बुक 2 प्रो, 360 और दोस्तों ये टोटल 5 लॉन्च हुई है आज इंडिया में। इनका स्टार्टिंग प्राइस होता है दोस्तों 1,15,990 रुपीज से, और उसके बाद जो है दोस्तों डिपेंड करता है प्राइस आगे आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों काफी अच्छी बुक्स हैं सर, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी दोस्तों, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर पाएंगे जल्दी ही। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है न्यू स्टेट मोबाइल की तरफ से, दोस्तों इनके अंदर मार्च का अपडेट आ चुका है और इसके अंदर जो है आपको दोस्तों iOS हो एंड्रॉइड यूजर हो सबके लिए आ गया है। दोस्तों इसके अंदर मैक्लेरन का नया सुपर कार का एक अपडेट आ रहा है, साथ में आपको MG3 गन मिलने वाली है, उनकी स्किन वगैरह भी मिलने वाली है। दोस्तों काफी अच्छा अपडेट है, इसके अंदर काफी चीजें आपको अपग्रेडेड मिलेंगी, तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हो वैसे जल्दी कर पाएंगे। वैसे ट्राई करना क्या दोस्तों, करना ही पड़ेगा, ये फोन थोड़ी है, तो ये अपडेट कर दीजिए दोस्तों, काफी अच्छे आपको स्किन वगैरह भी मिल जाएंगी। और दोस्तों फायरबोल्ट की तरफ से उनकी कॉल ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ में दोस्तों ये आज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है SPO2 के सेंसर्स के साथ में, यानी कि ट्रैकिंग मोड वगैरह इनके अंदर आता है। दोस्तों इनका प्राइस निकल गया है 4,499 रुपीज का, अमेजोन के ऊपर जाएगी सेल पे 21 मार्च को। काफी अच्छी स्मार्ट वॉच है, जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हो कर सकते हैं, 67 की रेटिंग के साथ में आती है। और दोस्तों आप बारी होती है ऑटो न्यूज के, ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है टाटा की तरफ से। दोस्तों टाटा नेक्सन उसकी ईवी जो आती है टाटा नेक्सन ईवी, उसका प्राइस जो है आज बढ़ चुका है, 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप एक नई टाटा नेक्सन ईवी लेने जाते हो, तो दोस्तों अब जो है प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों कहा जा रहा है टोयोटा की ग्लांजा की सीएनजी का वेरिएंट भी आने वाला है जल्दी ही। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले उनका पेट्रोल वाला जो रिलीज हुआ है, अब जो है सीएनजी वाला वेरिएंट भी आएगा, और कहा जा रहा है इसकी जो माइलेज होगी वो 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आएगी। दोस्तों जबरदस्त होगी, देखते हैं एक्जैक्टली। उन्होंने कहा डिजाइन वगैरह सेम रहेगा सारा कुछ, जो नए वाले में आया वही रहेगा, सिर्फ इंजन सीएनजी लग जाएगा। और दोस्तों दुकाटी की तरफ से पैनीगेल या पैनीगेल V2 ट्रॉय बायलेस, दोस्तों ये बहुत लंबा एडिशन है बेसिकली, और ये आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में। इसका प्राइस निकल गया है 21,30,000 रुपीज। दोस्तों बाइक काफी अच्छी है, अब इतने प्राइस पर तो दोस्तों मैं कहूंगा अच्छी है। और दोस्तों इसके अंदर आपको बता दूं, इसके अंदर आपको जो पावर मिलने वाली है वो प्रोड्यूस करेगी 155 HP की, साथ में टॉर्क मिलेगा 104 नैनोमीटर का। दोस्तों इसके अंदर इंजन लगा हुआ है 955 cc का। दोस्तों जबरदस्त है बाइक, तो बहुत अच्छी कहूंगा। इसके अंदर आपको एक TFT डिस्प्ले मिल जाती है 4.3 इंचेस की, जो कि दोस्तों है कलर्ड डैशबोर्ड के अंदर लगी आएगी, मिल जाएगी आपको। दोस्तों काफी अच्छी है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, उसे कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों 2022 का होंडा अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट, दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है आज 16,01,000 रुपीज के अंदर। दोस्तों बाइक काफी अच्छी निकल के, इसके अंदर आपको 99.2 HP की पावर मिल जाती है, और दोस्तों जो टॉर्क मिलता है 103 नैनोमीटर का मिलता है। दोस्तों इसके अंदर जो इंजन है वो 1,082.9 cc का है। दोस्तों इंजन जो है काफी बड़ा है, और यहाँ पे आपको एक TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि टच स्क्रीन है दोस्तों, जो पहले भी टच में ही आती है, और इसमें एडिशन हुई है ऑटो कार प्ले की, तो अब जो है एप्पल ऑटो कार प्ले इसमें एडेड है, तो आप उसे कंट्रोल कर पाओगे जो भी आपके फीचर्स वगैरह हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो टैंक मिलता है 24.5 लीटर का मिल जाता है इस बार। तो दोस्तों काफी अच्छी बाइक है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों मैं कहूंगा जो दुकाटी की पानी की लॉन्च हुई है उससे थोड़ा सा बड़ा इंजन है, तो आप इसको भी देख सकते हो, पर दोस्तों ये होंडा है याद रखिए, थोड़ी हल्की होगी दिखने में और वो थोड़ी स्पोर्ट टाइप होगी, बड़ी होगी दिखने में। दोस्तों दोनों ही बाइक बहुत अच्छी है। और दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है ओला की तरफ से, ओला S1 Pro और S1। दोस्तों इन दोनों के अंदर जो है एक तो प्राइस हाइक होने वाला है, बहुत जल्दी इनका प्राइस बढ़ जाएगा। दोस्तों दूसरा ये है कि इनके अंदर बहुत सारे नए अपडेट्स आने वाले हैं, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किए थे, कर्सर कंट्रोल या फिर नेविगेशन कंट्रोल वगैरह या और भी। दोस्तों बेसिकली इनके अंदर जो है अपडेट आने वाला है, तो अगर आपके पास है ओला S1 या S1 Pro तो आप अपडेट कर लीजिएगा, आपके स्कूटर के अंदर नए फीचर्स आ जाएंगे। दोस्तों ये काफी अच्छा है वैसे, इलेक्ट्रिक स्कूटर या किसी चीज का अपडेट आते हैं और ये अपडेट होने के बाद नए फीचर्स इनके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के टेक और ऑटो दोनों न्यूज अपडेट्स यहीं पे होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।